अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सबरीना, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट हैं, गौहर शरीफ साहब लाइफ कोच, मास्टर लाइफ कोच, मास्टर एनएलपी, मास्टर हिप्नोथेरेपिस्ट और बहुत सारी इनकी फर्दर क्वालिफिकेशंस भी हैं, और एंथनी विलियम्स जो फाइनेंशियल फिटनेस पे एक अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में। और मेरा नाम खुर्रम शहजाद है, मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है हमारी यूथ की डेवलपमेंट में, या यूथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। तो उसके लिए हमारे साथ हर फील्ड के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम बात करेंगे मिस सबरीना से। मिस सबरीना, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आपका क्या ख्याल है, सोशल मीडिया ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है या नेगेटिव? सर, बेसिकली सोशल मीडिया जो रोल एक प्ले कर रहा है हमारी सोसाइटी में आज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। इट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नाइफ, कि आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो या नेगेटिवली यूज़ कर रहे हो। तो आपकी अपनी पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको यूज़ करते हो। पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है, नेचुरली आप इतने लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन रहती है, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्सपैंड हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम आप मिसयूज़ भी कर सकते हो, बहुत से लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं उसको, तो उसमें उसके अपने रिपरकशंस होते हैं। तो बेसिकली ये है कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है आजकल के ज़माने में एक सेंस ऑफ लोनलीनेस पैदा कर दी है लोगों के अंदर, क्योंकि जब हम फेसबुक पे बैठ के घर बैठे जो लोगों की पिक्चर्स देख रहे होते हैं, या वो इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, या आउटिंग पे गए हुए हैं, या डाइन आउट्स कर रहे हैं, तो समहाउ कुछ लोगों की कुछ इनसिक्योरिटी होती है कि वो स्टेटस लगा देते हैं जी, या शायद उनको कुछ हैप्पीनेस मिलती है, या जो भी उनके रीजंस होते हैं। तो उनके फ्रेंड्स जो हैं वो घर बैठे वो जो देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं यार वो तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं कहाँ बैठी हूँ और मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो ही नहीं रहा, और एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो साइकोलॉजिकली भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे ऊपर, और किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो ये सबरीना की बात को मैं लेके आगे चलूँगा। जो लेटेस्ट रिसर्च है आजकल पब्लिश हुई है कुछ अर्सा पहले, उसके मुताबिक तकरीबन 55% एंग्जाइटी जो है लोगों में वो सोशल मीडिया अपलोड्स की वजह से है। और उसकी वजह यह है कि जब हम, जैसे इन्होंने कहा कि कोई इवेंट है, इवेंट की कवरेज तो चले ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो ओवर किल हो जाता है या ओवर डू हो जाता है वो चीज़ है कि आपने बर्गर भी खाया तो आपने उसी वक्त फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर दिया। अगर तो आपकी ज़िंदगी का पहला बर्गर था फिर आप ज़रूर उसको अपडेट करें, नहीं इट्स अ फैक्ट। और लोग जो हैं वो अपने घर के किचन की भी पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं वो देखे बगैर कि किचन के सिंक में क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ हर चीज़ अपलोड करने वाली नहीं होती, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो फेसबुक है या टम्बलर है या इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे बहुत सारे लोगों में लो इस्टीम, जेलसी और एनवी की फीलिंग्स जो हैं जनरेट होती हैं। जो लोग मिस आउट कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर इवेंट या वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, तो वो लाइक्स तो दे रहे होते हैं, कुछ साइलेंट व्यूअर्स होते हैं जो कमेंट भी नहीं करते लेकिन वॉच करते रहते हैं सारा वक्त, आपको सारा दिन, लेकिन वो कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। और वो जो हमारे यूथ है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की इस वक्त जो यूथ है जो कि इस वक्त 50% प्लस है, और वो लोग जो हैं उनमें एक तो ये है कि मेजर इशू इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का भी है, कुछ सोशल इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, कुछ गवर्नमेंटल डिसीजंस भी ऐसे होते हैं कि जिसके बाद कोई मेजर कोई इंडस्ट्री में रिवाइवल नहीं हुआ अभी तक। तो ये सारी चीज़ें कंपाउंड करती हैं। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे कपल्स भी आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, और वो सारे लोग या लेट 20s में या 30s में 40s में हैं, और वो लोग अपने मिड कैरियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये जो सोशल मीडिया है ये उस चीज़ को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है रादर देन हेल्पिंग इट आउट। सही बात। और सर आपकी बात से मैं जो है ना, आपने जो बात की अनएम्प्लॉयमेंट वाली, उसमें एज ए फाइनेंशियल कोच मैं ये कहूँगा कि फेसबुक खास तौर पे और फिर बाकी सारा सोशल मीडिया भी एज ए सोशल नेटवर्किंग टूल ज़रूर
2001 के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो वो इवॉल्व हो गया और उसका ज़्यादा यूज़ वेस्ट में जो हो रहा है या अच्छी जगहों पे, डेवलप्ड जगहों पे, वहाँ ई कॉमर्स बिजनेस जनरेट करने के लिए फेसबुक पेजेस जो हैं लोगों को बहुत सारा पैसा जनरेट करके दे रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है कि बजाय कि वो मिडल मैन से बात करें, वो डायरेक्टली कस्टमर से केक्स बेच रहे हैं, ड्रेसेस बेच रहे हैं। तो ये है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आप इसको अब अपने दोस्तों को देखने के बजाय आप जो है ना अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, चाहे म्यूजिशियंस हैं या जो है आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या आप कोई एस्पिरेशन रखते हैं कि माउंटेनियरिंग करनी है, तो आप उसको हॉबी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या बिजनेस आपने उसको, जी बिल्कुल, तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस भी बढ़ेगा। वेरी गुड, तो मैं अपनी राय भी इसमें ऐड कर दूं आपकी। जी बिल्कुल, प्लीज जी प्लीज। सोशल मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूथ कर रही है उतना ज़्यादा यूथ उससे बेनिफिट भी ले रही है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव यूज़ होता है उतना उसके नुकसान भी हैं। मैं अगर अपनी लाइफ में देखूँ तो आज हम जो चार लोग बैठे हैं, हम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम कनेक्ट हुए। 5-6 साल पहले एंथनी विलियम्स के साथ फेसबुक पर मुलाकात हुई, गौहर शरीफ साहब को फेसबुक से जानते थे, आज हम यहाँ पे बैठे हैं। सबरीना से वैसे यहाँ पे मुलाकात हुई गौहर साहब की ट्रेनिंग में, और आज सोशल मीडिया पे हम कनेक्टेड है मेरा ख्याल है। और इसका ये है कि जो लोगों को हम सोशल मीडिया पे जानते हैं, अगर वो हमारे काम से रिलेटेड हमें कुछ सपोर्ट हेल्प कर सकते हैं, तो हमें उनसे एक कनेक्शन आउट ऑफ सोशल मीडिया भी हमारा होना चाहिए। और अगर हम किसी से आम जिंदगी में मिलते हैं एज ए यूथ या एज ए प्रोफेशनल, तो हमें चाहिए कि उसको हम सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट करें। सोशल मीडिया आपका आपका सीवी है एक्चुअली, तो आपको आप अप्लाई करते हैं तो लोग आपके सोशल मीडिया से जान लेते हैं। ये इंजीनियर तो है, जॉब इंजीनियरिंग की ढूंढ रहा है, लेकिन पूरी टाइमलाइन पोएट्री से भरी हुई, जिसमें जख्मी दिल वाली पोएट्री, उससे क्या होता है कि आपका पूरा प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे इन्होंने कहा हमें करना चाहिए अपने आप को ब्रांड करने के लिए, और अपने से रेलेवेंट जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए। जैसे गौहर साहब ने कहा कि लाइफ में ओवर एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसको अपलोड, अच्छी बात है, लेकिन देखिए उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो बहुत काउंट करता है। और जैसे मिस सबरीना ने कहा कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आता है इन सारी चीज़ों का, तो जितना पॉजिटिव यूज़ करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव करेंगे नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल ये एक टूल है जो हमारे लिए, आप देखें पिस्टल है, बंदूक है, तो उससे आप हिफाजत भी कर सकते हैं, उसको आप नेगेटिव चीज़ काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पॉजिटिव यूज़ करें, इसका हम सब की तरफ से कलेक्टिव मैसेज ये है, सोशल मीडिया का यूज़ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने का, थैंक यू, और आपका व्यूअर्स वीडियो देखने का और चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में और एक्सपर्ट्स के साथ आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।